जनपद के चंपा देवी पार्क में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 1000 जोड़ों का विवाह संपन्न होगा, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चंपा देवी पार्क में वाहनों के पार्किंग व जोड़ों के आने जाने की भी व्यवस्था है। चंपा देवी पार्क में एक बहुत बड़े टेंट को लगाया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 1000 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिसके संबंध में PWD के अवर अभियंता सुजय कुमार गर्ग ने बताया कि यहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया जाएगा। लगभग 1000 जोड़े मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विवाह के बंधन में बंधेंगे और मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्टेज को तैयार कर दिया गया है और यहां पर टेंट को भी लगाया गया है, जहां पर जोड़ों को बैठाया जाएगा। इसके अलावा पंडित की विशेष व्यवस्था की गई है, जो कि विधि विधान से मंत्र पढ़कर जोड़ों का फेरे करवाकर शादी करवाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए PWD के अवर अभियंता सुजय कुमार गर्ग ने कहा, बता सकते बारे में बैठिए। सुधीर कुमार वर्मा, मैं अवर अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 3 से हूँ। किस तरह की तैयारियाँ चल रही है यहाँ पे? कल 1000 जोड़ों की शादी होने का प्रोग्राम है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे जो है उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। और यहाँ पे हम लोग PWD से हैं, तो हम लोगों को जो अभी फ़िलहाल देखने के लिए निर्देश मिला हुआ है, यहाँ पे 2 स्विस कार्टेज, मेन मंच और ये जर्मन हैंगर, और प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग का कार्य जो है ये सब मिला हुआ है, जिसको हम लोग देख रहे हैं और करवाया जा रहा है। और ये जो पंडाल जो है, ये पंडाल में 1000 जोड़ों की शादी की अरेंजमेंट और सारी व्यवस्थाएँ यहीं पर व्यवस्थित की जा रही हैं, और ये संभवतः हमें लग रहा है कि आज शाम तक हम लोग इसको पूर्ण भी कर लेंगे।